एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ स्किन वाइटनिंग ब्लीच। तो ये ब्लीच टैन रिमूवल भी है, इससे आपका टैन बहुत ही इजीली रिमूव हो जाएगा, स्किन को ब्राइट एंड लाइटन बना देगा अगर आप इसे 10 से 15 मिनट के लिए रखते हैं तो। एंड ये बिल्कुल केमिकल फ्री है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 चम्मच चावल लिया है, आप चावल कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, और उसमें पानी डाल दिया है। इसे हमें 2 घंटे के लिए छोड़ देना है पानी में ताकि ये फूल जाए अच्छे से। और इसके बाद यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का आलू लिया है, बीट रूट लिया है और ये चावल। तो अब हम इसे ग्राइंड करेंगे, चावल फूल चुके हैं तो अब इसे मिक्सी में डाल देते हैं। पानी के साथ ही हमें इसमें डालना है मिक्सी में। एंड ये सारी चीज़ें जो इसमें मैं यूज़ करने वाली हूँ, ये सारी चीज़ें आपको आपके घर में ही मिल जाएगी। तो ये देखिए ये पिस चुकी है, अब इसे छान लेते हैं। तो छन्नी में मैं इसे डाल के इसे इस तरह से चम्मच से प्रेस करके इसका जूस निकाल लेना है। तो ये देखिए बहुत ही ईजीली ये छन जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से कुछ इसका जूस निकल जाएगा। और ये देखिए इसमें एक और चीज़ हमें लेना है जो कि आपको आपके घर में ही मिलेगा। तो यहाँ पर हमें लेना है गेहूं का आटा। अगर गेहूं का आटा जो चोकर वाला आता है वो भी चलेगा, वो बेस्ट रहेगा अगर वो हो तो, वरना तो नॉर्मल भी ले सकते हैं। तो इसमें 2 चम्मच भर के गेहूं का आटा डालना है इसमें और इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और आप इस पेस्ट को अगर बहुत ही ज़्यादा थिक बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा इसमें आटा और मिक्स कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा पेस्ट ये बनकर तैयार हो चुका है, हमारा ये ब्लीच बनकर तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे लगाना शुरू करेंगे। एंड ये ब्लीच पूरे बॉडी में आप यूज़ कर सकते हैं, अगर टैनिंग की प्रॉब्लम है आपको तो आप यूज़ कर सकते हैं, हाथ में पैर में आप टैनिंग की प्रॉब्लम है तो बहुत ही इजीली ये टैन रिमूव कर देता है। तो आपको रिज़ल्ट एक बार में ही देखने को मिल जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने फेस पे कुछ भी नहीं लगाया है। एंड अगर आपने फेस पे मेकअप वगैरह लगाया हो पहले तो उसे पहले वॉश कर ले, अच्छे से क्लीन अप कर ले, और आप चाहे तो मिल्क से उसे क्लीन अप कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाएगा वो, उसके बाद आप इसे यूज़ करें। तो पहले मैं अपने हेयर को हेयर बैंड से ठीक कर लूँ वरना फिर डिस्टर्बिंग होती है। एंड चलिए अब इसे लगाना शुरू करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं अब मैं इसे अपने फेस पे भी अप्लाई करके दिखाऊंगी एंड इसे हाथ पर भी लगा के दिखाऊंगी। इस ब्लीच को आप वीक में एक बार भी अगर यूज़ करते हैं तो आपकी स्किन इवन टोन एंड बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा शाइनी हो जाएगी। इसे लगाने से फेस पे ठंडक आती है एंड इससे झाइयाँ वगैरह भी दूर हो जाती है, झुर्रियाँ वगैरह भी कम हो जाएगी एंड जो डार्क सर्कल होते हैं ये उसे भी हटा देता है। एंड ये ब्लीच आप किसी भी स्किन टाइप पर फेस पर यूज़ कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी एंड बहुत ही अच्छा काम करता है, रिज़ल्ट आप एक बार में ही देख सकते हैं। तो आप इस ब्लीच को एक बार ज़रूर ट्राई करें। इस ब्लीच को आपको पूरे फेस पे अप्लाई करना है, और अगर ये ब्लीच बच जाती है तो आपके हाथ में लगा सकते हैं टैनिंग हो, या अगर आपके पैरों में टैनिंग है वहाँ लगा सकते हैं, आपके अंडर आर्म्स पर भी लगा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्किन हो जाती है। तो आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। और इसे पूरी तरह से फेस पे लगाने के बाद हल्का सा इसे 1 मिनट तक मसाज करना है फेस पर। अभी मैं लगा करके दिखाऊंगी, तो बिल्कुल इसी तरह से आपको फेस पर मसाज करना है ये लगाने के बाद। Oh,
देखिए मैंने हाथ पर भी लगा लिया है, फेस पर भी लगा लिया है। अब इसे मैं 15 से 20 मिनट तक ऐसे ही रहने दूंगी, उसके बाद मैं इसे वॉश करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने इसे वॉश कर लिया है, फ़र्क आप देख सकते हैं, पता नहीं आपको दिख रहा है कैमरे में या नहीं, बट मुझे क्लियरली समझ में आ रहा है, मुझे फ़र्क दिख रहा है, आप देख सकते हैं। मैंने जिस पे ये ब्लीच लगाया था वो वाला, और जिस पर नहीं लगाया है वो वाला, फ़र्क आप खुद देख सकते हैं। तो एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करें तो आपको खुद ही फ़र्क समझ में आ जाएगा। तो अब मैं इसे फेस पर से भी क्लीन कर लेती हूँ। तो मैं इसे कपड़े से, ये देखिए आप, पहले मैं साफ़ करके दिखाती हूँ, उसके बाद मैं वॉश करूँगी। तो ये देख सकते हैं आप, एंड इसमें आटा होता है तो उससे ना थोड़ा सा चिपक जाता है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा फेस ना क्लीन हो जाता है। तो ये देखिए बहुत ही अजीब सा फेस लग रहा है मेरा बट कोई बात नहीं, अभी वॉश करके दिखाऊंगी, फिर आप फर्क देख सकते हैं। अभी भी ये देखिए जहाँ पे मेरे फेस पे जहाँ से ब्लीच ये क्लियर हो चुका है, वहाँ पर देखिए आप कितना क्लीन फेस लग रहा है, ये देख सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने फेस को वॉश कर लिया है और नॉर्मल पानी से किया है, कोई भी फेस वॉश वगैरह यूज़ नहीं किया है। एंड ये देखिए टॉवल ड्राई से कर लेते हैं फेस को, एंड ये देख सकते हैं आप कितना ज़बरदस्त ग्लो आ चुका है और टैनिंग भी हट चुकी है बिल्कुल। और ये आप देख सकते हैं ओपन फोर्स भी क्लीन हो चुके हैं, एंड इससे बिल्कुल ही चेहरा एकदम क्लीन लग रहा है, एंड फेस पे एक अलग सी ताजगी आ चुकी है, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। ये आप देख सकते हैं खुद ही कितना ज़्यादा मस्त तरीके से काम किया है इस ब्लीच ने, बहुत ही ज़्यादा स्किन ब्राइटनिंग लग रही है। एंड अगर ऐसा फेस हो जाए फिर मेकअप की ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली है, तो आप इस ब्लीच को ज़रूर ट्राई करें, एक बार तो ज़रूर ट्राई करके देखें। एंड वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।